बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज के इफ्तार मेन्यू के साथ मैं हाज़िर हूँ। आपने भी बताना है, मेरे साथ शेयर करना है, बल्कि सबके साथ शेयर करना है कि आपका इफ्तार मेन्यू क्या था और मेरे आइटम में आपको कौन सा आइटम पसंद आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने बनाए हैं क्रोकेट्स, आलू के बहुत ही ज़बरदस्त क्रोकेट्स हैं। इसकी रेसिपी आप तक पहुँच गई होगी। ये देखें अंदर से कितने जूसी और नरम है और बाहर से बहुत ही कुरकुरे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार क्रोकेट्स जो हैं बहुत यूनिक रेसिपी के साथ हैं। इसकी रेसिपी जो है इंशाल्लाह आप तक पहुंच चुकी होगी। और यहाँ पर मैंने तैयार किए हैं पकोड़े, और पकोड़े जो है ना मैं कम मिकदार में बनाने लगी हूँ क्योंकि बहुत कम खाए जा रहे हैं पकोड़े आजकल। और यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रॉबेरी शेक, और यहाँ पर हमने फ्रूट चाट बनाई है, और यहाँ पर हमारे पास है चना चाट, ठीक है। और खाने में जो है मैंने सालन जो बनाया है वो है आलू गोश्त, साथ में रोटी बनेगी और चाय भी बनेगी इंशाल्लाह। तो आज का मेन्यू जो था वो आपको कैसा लगा आपने ज़रूर मुझे बताना है। ज़रूर आपने ये चीज़ें ट्राई करनी है। क्रोकेट्स तो आपने लाजमी ट्राई करने हैं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है क्रोकेट्स की। और पकोड़ों की रेसिपी भी जो है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। ये वाले पकोड़े भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और चना चाट भी और फ्रूट चाट भी जो है इसकी अपनी एक अलग रेसिपी है, और स्ट्रॉबेरी शेक भी एक अलग यूनिक रेसिपी के साथ है क्योंकि स्ट्रॉबेरी को पहले मैंने फ्रीज़ किया और उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया। तो प्यास तो आपको लग रही होगी ये शेक देखकर, तो मुझे भी लग रही है। रफ्तार का टाइम जो है वो बहुत करीब हो चुका है, तो अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ये कोरोना की बीमारी को भी दूर करे हम पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया क्योंकि इंसानियत जो है मुतासर हो रही है। कोई मुसलमान हिंदू या कोई किसी कोई मज़हब मुतासर नहीं हो रहा, इंसानियत मुतासर हो रही है। तो इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो दुआ कीजिए सारे इफ्तार के टाइम पर, लाजमी दुआ कीजिएगा सबके लिए क्योंकि इफ्तार के टाइम की दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन आपने लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।